भाई साहब। और ये देखो कैसे खड़ी हुई है भाई, कितनी ज्यादा अजीब लग रही है यार। पीछे खड़ी हुई है चाइना की वह ट्रेन जो कि हवा के अंदर झूलती हुई जाती है बिना टायर के। भाई 100 की स्पीड पकड़ ली है इसने जस्ट 40 सेकंड के अंदर। टॉप स्पीड है ना वो कितनी जाती है, 600 किलोमीटर। बट इसको अभी सेट करके रखा है क्योंकि छोटे से रूट पे चलती है तो इसकी स्पीड अभी लिमिट कर दिया है। चुंबक पे चल रही है और ये ऑटोमेटिक कभी ऐसे हो जाती है कभी ये ऐसे हो जाती है। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग के अंदर। सो फिलहाल अभी मैं चाइना के शंघाई शहर के अंदर हूँ और अभी सुबह के 5:50 के आसपास में टाइम हो रहा है। अगर टाइम देखो तो 5:53 हो रहे हैं और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रेन की यात्रा करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ चाइना के अंदर जो कि बिना टायर्स के चलती है और हवा में लेविएट होके चलती है, मतलब उड़ती है, बीच में कोई भी उसके व्हील नहीं रहता, चक्का है ही नहीं है, बिना चक्के के ट्रेन चलती है। तो ये अजूबा कैसे बना दी चाइना ने, मैं तो इसको देखने के लिए जा रहा हूँ। और अभी मैं जस्ट हॉस्टल से निकल के आया अपने, वैसे मैं इतनी जल्दी जल्दी उठता नहीं हूँ कभी भी और सुबह सुबह का माहौल ऐसा है। बाकी ये साइकिल खड़ी हुई है पुराने ज़माने की, पर पुरानी तो नहीं है, नई ही है। बाकी ऐसे आपको हर जगह चाइना की सिटीज़ में मिली जाएंगी साइकिल वगैरह। बाकी सुबह सुबह का टाइम है तो कुछ ज़्यादा हलचल है नहीं है, कुछ चाइना की मतलब सुबह सुबह में नॉर्मली हलचल होती है। जैसे ही 9 बजेंगे ना भाई इतनी भीड़ होगी सिटी के अंदर, सबसे ज़्यादा आई थिंक आबादी वाला शहर भी शंघाई है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, पूरे चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर शंघाई सिटी है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से मेट्रो पकड़ने के लिए और जो ट्रेन चलती है वो चलती है 6:45 पर, पहली ट्रेन जिसके टायर्स नहीं है। जी हाँ, उसके बारे में सारा कुछ बताता हूँ। पहले मैं यहाँ से एक मेट्रो पकड़नी है, मेट्रो मतलब दो चेंज करनी है, दो चेंज करके अपना रेलवे स्टेशन पर पहुँचेंगे और फिर वहाँ जाके मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देता हूँ कि कैसे बिना टायर वाली ट्रेन है जो चलती है हवा में उड़ती हुई जाती है। और जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रेन 603 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से चलती है और ये मेरा स्टेशन आ गया है मेट्रो का, यहाँ से मेरे को मेट्रो लेके जानी है। स्टेशन का नाम है सोंगयोंग रोड स्टेशन। अभी इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे भाई साहब बैठे हुए हैं। मे बी मेट्रो तो खुल जाती होगी यार 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, अभी नीचे जाना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। सो भाई मेट्रो स्टेशन के अंदर जैसे ही आया तो यहाँ से मैंने फटाफट टिकट निकाल ली और मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया, तो मेरे को पैसे देने पड़े, 20 युआन दिया, इसके अंदर 20 युआन डाल देने हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना इंग्लिश वगैरह। बाकी 5 युआन दिखा रहा था मेरे को ऑनलाइन तो मैंने डायरेक्ट 5 युआन डाला और ये आ गया अपना टिकट 10 रुपये। बाकी चिल्लर भी इसने भाई इधर दे दिए। ओ भाई अच्छा ऐसे खोल देगी क्या, अरे डंडा आए भाई। लाइन नंबर 10, 10 नंबर पे जाना अपन को, जामनी वाली पे। फटाफट 6 बज गए हैं। लो भाई मेट्रो खाली पड़ी हुई है अभी तो, काफ़ी लोग हैं भाई। हमारी मेट्रो भी इसी साइड में जा रही है और उधर भाई साहब जो बैठे हुए हैं ये चला तो रहे नहीं है यार, कुछ कर ही नहीं रहे, बिना वैसे ही चलती जा रही है। मेरे को लग रहा है ये भी ऑटोमेटिक ही चल रही है भाई। देखो अभी हमको कहाँ उतरना है, ईस्ट नानजिंग में उतरना है और भाई साहब ट्रेन चला ही नहीं रहे, ना रोकते हैं ना कुछ करते हैं भाई। दोनों मेट्रो लेके आ गए हैं और मैगलेव ट्रेन के अंदर जाना है, उसका लोगो भी भाई इन्होंने यूनिक सा बना रखा है भाई। जैसे ही मेट्रो से बाहर निकला हूँ इधर की साइड में ही बना हुआ है मैगलेव ट्रेन का रेलवे स्टेशन जो कि चुंबक पे चलती है। बाकी एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैगलेव ट्रेन है ये ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का इसका भी पहला फेज है कम्प्लीट हुआ है और 30 किलोमीटर तक की ये लंबी इसकी यात्रा होती है, मतलब इतने किलोमीटर लंबा रूट है इसका और जिसके अंदर 8 मिनट लेती है, 8 मिनट में 30 किलोमीटर छूटती है। बाकी अभी देखते हैं भाई, टाइम तो पूरा हो गया है, टिकट मिल जाए तो ठीक है भाई, 1 मिनट है, पता नहीं मेरे को मिलेगी टिकट क्या नहीं। सो भाई मैगलेव ट्रेन की टिकट्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो इधर से हम लोग बाय कर लेते हैं टिकट्स वगैरह। सो सामने की साइड में अगर आप लोग लोकल हो यहाँ पर तो आप लोग खुद यहाँ से बाय कर सकते हो मशीन से, नहीं है तो आप लोग इधर से ले सकते हो। तो मैं यहीं से ले लेता हूँ भाई अपनी टिकट और बताता हूँ कितने की है और कैसी मिली है। और मैं यहाँ से ट्रेन की टिकट ले आया हूँ, ये राउंड ट्रिप है तो यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड ट्रिप जो कि 80 युआन की पड़ी है जो कि 800-900 रुपये की होती है भाई, ये टिकट से ऐसे दे दिए। भाई मेरे पीछे खड़ी हुई है चाइना की वह ट्रेन जो कि हवा के अंदर झूलती हुई जाती है बिना टायर के, कोई टायर नहीं है इसके पीछे, देखोगे तो एक भी टायर नहीं है, ना ही नीचे कोई पटरी है। आप लोग अगर ध्यान से देखो ना इधर की साइड में कोई पटरी है, ना उधर की साइड में कोई पटरी है और ना इसके नीचे कोई भी टायर है। आप लोग चेक करो, कोई टायर नहीं है भाई, ऐसी जाती है। मेरे को तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे चलती होगी,
ये बेसिकली चलती है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जी हाँ, इसको बोलते हैं मैगलेव ट्रेन। इसको मैगलेव ट्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मैगलेव, मैगलेव का दो अर्थ है भाई, मैग मतलब मैग्नेटिक और लेव मतलब लेविएट होती है। अभी ये ना उठेगी, जब ये चलेगी ना ट्रेन तब ये उठेगी, और अभी ये बिल्कुल नीचे लगी हुई है, मतलब बिल्कुल तो नहीं लगी हुई लेकिन हाँ भाई थोड़ी बहुत नीचे लगी हुई है। जैसे ये ट्रेन चलेगी तो थोड़ी सी लेविएट करेगी और देन ये जाएगी। और कितनी ज़्यादा छोटी लग रही है भाई देखने के लिए, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं चाइना की उस ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा हूँ जो कि 600 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने में सक्षम है। और इसके बगल में मेट्रो स्टेशन भी है, देखो सामने मेट्रो वगैरह जा रही है उधर की साइड में। और आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं इस ट्रेन के अंदर, अपनी ट्रेन है SMT शंघाई ट्रांस रैपिड के नाम से है ये। कितनी ज़्यादा अजीब लग रही है यार, कैसी ट्रेन बना रखी है इन्होंने, चेक करो। ये अभी मतलब चलेगी ये 7 बजे समथिंग। अभी अच्छा लग रहा है भाई, अभी पता नहीं किसी भी डिब्बे के अंदर बैठ सकते हैं हम लोग इसके अंदर जाके। आई थिंक क्या ही बना रखी है, छोटी सी है, 30 किलोमीटर है इसके अंदर मेरे को सफ़र करना है। 30 किलोमीटर 8 मिनट में पहुँचा देगी और 600 की स्पीड से ये चलती है। अभी पता नहीं कितने की स्पीड से चलेगी, बट मे बी 600 की स्पीड से चलती होगी, काफ़ी फास्ट और ऐसी कुछ है भाई। ये ट्रेन पटरियों पे भी नहीं चलती, ऐसी चलती है। अभी 7 बजने में कुछ मिनट है, चलने वाली है भाई। वैसे लगेज वगैरह इसका भी रूम है भाई यहाँ पर, भाई साहब। अभी आगे की साइड में चलते हैं और यहाँ पर स्पीड वगैरह भी लिख के आती रहेगी इसकी। कोई भी नहीं है भाई ट्रेन के अंदर, यहाँ बैठ जाता हूँ, यहाँ से स्पीड भी दिख जाएगी मेरे को और ये ऐसी सीटें वगैरह। तो चाइना की मैगलेव ट्रेन है ये, 30 किलोमीटर का सफ़र है, सिर्फ 8 मिनट के अंदर कराती है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 603 किलोमीटर पर आर, बट ये जो ट्रेन है ये 430 मतलब 300 से लेके 430 के बीच में चलती है। और ये जो ट्रेन है मतलब जो मैगलेव ट्रेन है ये अपनी चलती है ये वाले स्टेशन से। अगर कभी आप लोग आते हो तो आप लोगों को इस स्टेशन पर आना है। स्टेशन का नाम आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, लोंगयांग रोड स्टेशन। मेट्रो से जैसे ही उतरोगे तो नीचे की साइड में आपको ऐसे देखने को मिलेगा और ऊपर की साइड में ऐसे स्विच वगैरह काफ़ी सारे दे रखे हैं, आई थिंक लाइट वगैरह का है। यहाँ पर बुलाना हो किसी को हेल्प के लिए कि भाई हमारी हेल्प कर दो। बाकी एक चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैगलेव ट्रेन सिर्फ चाइना के पास ही है, मतलब चाइना काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, किसी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। बट आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मैगलेव ट्रेन है सबसे पहले यूके के बर्मिंगम के अंदर सबसे पहले इसको बनाया गया था और 1984 के अंदर चली थी। बट उसकी स्पीड उस टाइम के हिसाब से काफ़ी कम थी क्योंकि टेक्नोलॉजी भी उस समय कम थी। तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसके लिए लगता है पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके लिए आपको पैसा ऐसा लगाना पड़ता है। तो चाइना के पास तो काफ़ी सारा पैसा है, तो भाई इसने तो ठास के पैसा लगा रखा है इस ट्रेन के अंदर, ठास के पैसा भाई बहुत ज़्यादा। और ये एयरपोर्ट के लिए चलती है, पुडोंग एयरपोर्ट तक चलती है, पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सिटी से काफ़ी ज़्यादा बाहर बना हुआ है। तो अभी उसके अंदर सफ़र होने वाला भाई, देखें मेरे को तो अजीब सा लग रहा है, पटरी है नहीं है इस ट्रेन के अंदर और हवा के अंदर लटकते हुए जाएगी। फर्स्ट टाइम कोई ऐसी ट्रेन के अंदर बैठ रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सी ट्रेन है बिना टायर की और चाइना के अंदर आया हूँ, तो ये सब चीज़ें तो अतरंगी चीज़ें करनी तो भाई बनती है। बाकी अभी स्पीड वगैरह देखेंगे कितनी स्पीड से चलती है, अभी तो खड़ी हुई है, 6 मिनट के बाद चलेगी, अभी 54 मिनट हो रहे हैं। ऐसी कुछ इसकी सीट वगैरह भाई, 3x3 की सीट है इसकी, ऊपर अपन को रैक वगैरह भी दिया गया भाई। चाइना की मैगलेव ट्रेन है वो निकल गई है स्टेशन से और अभी जस्ट निकले को 6 सेकंड हुए हैं और 6 सेकंड में 35 की स्पीड पकड़ ली इसने। अब नीचे व्यू चेक करो जरा, ये वाली पटरी जो साइड में चल रही है ना, सेम टू सेम ऐसी ही पटरी पे हमारी वाली ट्रेन चल रही है, जिसका मतलब कुछ पटरी तो है ही नहीं है, सिर्फ चुंबक के ऊपर चल रही है भाई। कसम से चेक करोगे जरा, इस पर चल रही है हमारी। और अभी तो और लंबा ट्रैक है जो बिछाना है इसका भी शुरू हुआ है, बट ये वाला चेक करो भाई कितनी स्पीड पकड़ ली, 105.6 की स्पीड सिर्फ 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर इसने पकड़ ली है भाई। भाई ट्रेन चले को ऑलमोस्ट 1.5 मिनट हुआ है और इसकी स्पीड 260 से भी ज़्यादा जा चुकी है। मैगलेव का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैग और लेव, मैग मतलब हो गया मैग्नेटिक और लेव मतलब हो गया उस वो लेविटेट करके चलती है। मतलब ये क्या होता है, जैसे अपन होता नहीं है एक चुंबक होती है, नॉर्थ वाली चुंबक को अगर नॉर्थ वाली चुंबक की साइड में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जुड़ेगी नहीं, वो ना रैफिल करेगी, मतलब थोड़े से दूर दूर भगेगी। तो सेम ऐसे ही ये चलती है, जब ये स्टेशन पे जाती है तो ये नीचे जाके पटरी पे चिपक जाती है, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाती है, चिपकती नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी सी नीचे आती है। जब ये चलने वाली होती है तो ये थोड़ी सी ऊपर को हो जाती है और फिर ये ऑटोमेटिकली स्पीड में चलती है। और इसकी जो टॉप स्पीड है 301 पे है,
बिकॉज अभी जो इसका फर्स्ट फेज है वो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का भाई, 30 किलोमीटर पे 600 की स्पीड से भगा दोगे तो ट्रेन जो है जितनी पटरी भाई स्टेशन स्टेशन सब फाड़ के बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए इसका भी लिमिट लगा दिया। अगर ये लोग चाहे तो उसको 603 किलोमीटर की स्पीड तक भगा सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो कैसे ऐसे टेढ़ी चल रही है ये अभी ट्रेन, और कुछ फील नहीं हो रहा भाई, कुछ फील नहीं हो रहा, और बस हिल रही है थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे करके ना, क्योंकि चुंबक पे चल रही है तो चुंबक पे हिलेगी तो है ही, बट थोड़ा सा यूनिक है कि 30 किलोमीटर के लिए मैंने यहाँ पर 8 मिनट का सफ़र, मतलब 30 किलोमीटर 8 मिनट का सफ़र है, और इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट पे करा है 80 युआन आना और जाना, मतलब 30 किलोमीटर जाऊँगा, 30 किलोमीटर वहाँ से 20 मिनट बाद कोई ट्रेन आएगी उसमें फिर लौट के आऊँगा। अभी देखना इधर से ना एक ट्रेन आएगी जो कि 300 की स्पीड से हमारी जा रही है और 300 की स्पीड से वो आएगी, तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया हो, एकदम से सब कुछ पता नहीं लगा, पर फूं फूं करके निकल जाएगी। और अभी जो है बारिश का मौसम हो गया आज, आज धूप वगैरह निकली नहीं है पता नहीं क्यों, बट नहीं निकली यार, मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा आज मौसम, क्योंकि मेरे को धूप अच्छी लगती है तो धूप निकली नहीं है, ऐसा मौसम है। और अभी ट्रेन आती है तो देखते हैं कैसा लगता है। ओ भाई साहब, एकदम से इतनी तेज झटका दिया ना जैसे ही ट्रेन आई, मैं तो मतलब ट्रेन पूरी की पूरी हिल गई ऐसे करके, ट्रेन ऐसे साइड में हो गई और अभी ये झुक गई इधर की साइड में, और ये वाली पटरी है भाई देखो, और ये ऑटोमेटिक कभी ऐसे हो जाती है कभी ये ऐसे हो जाती है, मेरे को तो मतलब मजे आ रहे हैं भाई, झूले ऐसा लग रहा है, यूनिक एक्सपीरियंस भाई चाइना के अंदर। जापान तो मतलब मैं जा नहीं पा रहा, जापान का वीज़ा अभी तक लगवाने की कोशिश भी नहीं करी, जापान के मजे यहीं पर ही ले लिए जा रहे हैं भाई। ओ भाई टेढ़ी हो रही, झूले ऐसे मज़े से आ रहे हैं भाई, सिर्फ मैं इसके अंदर, मेरे को लग रहा है मैं अकेला टूरिस्ट हूँ जो मैं जा रहा हूँ, बाकी सारे एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं भाई। उधर की साइड में देखो ना कैसा, अब आप लोग एंगल चेक करो इसका कितनी ज़्यादा टेढ़ी चल रही है ये भाई, कसम से टेढ़ी कितनी है यार, ये फुल 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 टेढ़ी है भाई, चेक करोगे फुल ऐसे ऐसे में है अभी इस वक्त में। चलो कोई नहीं, यूनिक एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अभी तो सिर्फ 6 मिनट हुए हैं, 6 मिनट, और स्पीड स्लो होना शुरू हो गई है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड में रहेगी तो ये लिस्ट एयरपोर्ट फाड़ती हुई बाहर निकल जाएगी भाई। आई थिंक जो टॉप स्पीड होती है एरोप्लेन की 800-900 किलोमीटर तक की होती होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होती होगी, कम ही होती होगी, बट इसकी भाई 603 किलोमीटर, इतना जा सकती है, अभी तो छोटा सा रूट है तो जा नहीं पाती, आई थिंक आने वाला है, तो स्पीड को स्लो करके डाउन ले जा रहे हैं भाई। लो जी हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आई थिंक आ ही गया है, ये अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके अंदर, शंघाई के अंदर एक ये वाला है, आई थिंक सिटी से काफ़ी ज़्यादा बाहर जाके बनाया गया है। मौसम अच्छा नहीं है यार आज, मौसम बहुत गंदा गंदा सा हो गया है। चलो भाई 64 की स्पीड पे आ गई है, रुकने वाली है भाई सिर्फ 40 सेकंड बाद, अभी स्टेशन भी आ गया, अभी यहीं से 20 मिनट बाद रुक के उतरते हैं, देन फिर से इसी में बैठ के जाना है। लो भाई स्टेशन आ गया, इधर की साइड में आया है। सो भाई उतरने का समय आ गया अपनी इस वाली ट्रेन से, कुछ ऐसी थी भाई, लगेज वगैरह रखने का भी सिस्टम है इसमें देखो ऐसा, और उतरते हैं भाई यहाँ से। ये अपनी ट्रेन कैसी है भाई, देखो इसका टायर भी नहीं है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म से सट के ही चल रही है। जाते हैं आगे की साइड में, फ़ोटो वोटो खींच के लाता हूँ एक आधी जाके। राउंड ट्रिप वाला कार्ड है, लेकिन मेरे को एक बार तो यहाँ से एग्जिट मारना पड़ेगा, देन मेरे को फिर से यहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी। चलो भाई इसके अंदर मैं बैठता हूँ जाके, काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है, इसके अंदर कोई ड्राइवर महोदय तो देखने को मिल नहीं रहे, बाकी इसके अंदर बैठते हैं, देन यहाँ से सफ़र है जो अपना शुरू करते हैं। और इसके अंदर आई थिंक 1, 2, 3, 4 कोच है भाई, और ये चलती है अपना एयरपोर्ट से लेके मतलब पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक, ऐसे इधर की साइड में भी है, इधर की साइड में भी है भाई। मैगलेव ट्रेन का एक फ़ायदा है कि ये ना बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने वाली एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ जा सकती है, अगर आप लोगों को स्पीड में ट्रेवल करना है तो मैगलेव इज़ परफेक्ट। अगर चाइना के अंदर बुलेट ट्रेन भी चलती है, बुलेट ट्रेन की हाई स्पीड है चाइना के अंदर आई थिंक 350 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो ये वाली ट्रेन है बस इसका एक चीज़ में दिक्कत क्या आती है कि ये ना बहुत ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है, बुलेट ट्रेन थोड़ी उससे सस्ती पड़ती है, इसको बनाने के लिए चाइना ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करे हैं जस्ट 30 किलोमीटर के ट्रैक को, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है, जैसे इसके अंदर मेंटेनेंस
बहुत कम है, क्योंकि पटरी नहीं है, पटरी की कोई मेंटेनेंस नहीं करनी इनको ज़्यादा, ठीक है, मैग्नेट पे चलती है और इसके अंदर कोई भी जो है फ्रिक्शन पैदा नहीं होता, तो उसमें क्या है नॉइस का जो जितना भी नॉइस वगैरह रहती है वो कुछ भी इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होती, तो नॉइस फ्री चलती है ट्रेन, और ये भी अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ है, वो ये है कि जैसे अपन इसको ट्रेन को चला रहे हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड से चल रही है और इसमें कुछ भी आपको फील नहीं होगा, और इसके अंदर मेरे को लगता है कोई ड्राइवर भी नहीं बैठा हुआ है, और ये अभी धीरे से फिर से ऊपर की साइड में उठ गई है। आया, अब ये चलने वाली है भाई, ये देखो इस साइड में चलेगी, और इस साइड में आगे की साइड से देखो मैं बिल्कुल सामने बैठा हुआ हूँ, और आगे की साइड में कोई ड्राइवर भी नहीं मेरे को लगता, और जस्ट 6 सेकंड के अंदर 30 की स्पीड पकड़ ली भाई। अब देखो उसकी स्पीड देखते चलना कितनी स्पीड पकड़ती है ये भाई, 14 सेकंड में 50 भाई, 20 सेकंड होने वाले हैं, 70 की स्पीड ऑलमोस्ट पहुंच गई है। अच्छा अभी देखते हैं और कितनी, 100 की स्पीड देखते हैं कितने पकड़ती है। भाई 100 की स्पीड पकड़ ली है इसने जस्ट 40 सेकंड के अंदर, जी हाँ 40 सेकंड में 100 की स्पीड पार कर दी इसने ट्रेन ने। एंगल चेक करो जरा रोड का, और इसका बहुत ज्यादा टेढ़ी है भाई, ओ भाई कितनी तेज निकल के गई है यार, पता भी नहीं लगता भाई, 600 की स्पीड, 300 की हमारी, 300 की वो, 600 देखो अगर विश्वास नहीं हो रहा, 300 की स्पीड पे ये गई, 300 की स्पीड पे वो गई है। और भाई होप करूंगा आपको जर्नी पसंद आई होगी इस ट्रेन की। लो भाई यहाँ से ट्रेन दिखा देते हैं, शंघाई ट्रांस रैपिड करके नाम है इसका, और ये बारिश हुई है ना अभी, तो देखो कैसी यहाँ पर पूरी की पूरी गीली हो गई है, सारा पानी आने लग गया है इसके ऊपर। भाई यहाँ पर देखो सिंगल ट्रिप करते हो आप लोग अगर नॉर्मल वाली क्लास में, इकोनॉमिक क्लास में, तो 50 युआन की है, एक दिन तक वैलिड रहेगी ये, और एक VIP में करोगे तो 100 युआन। राउंड ट्रिप कर लेना वो ज़्यादा सही रहेगा, 80 युआन के अंदर आप लोगों को इकोनॉमी नॉर्मल वाली मिल जाएगी, 100-160 में आना जाना हो जाएगा VIP में। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट होती है लोंगयांग रोड स्टेशन से 6:45 पे, और लास्ट जहाँ से जाती है 9:40 पे, हर 15 मिनट और 20 मिनट में चलती रहती है, और मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर बताई है 300 किलोमीटर, लेकिन ये जा सकती है 600 किलोमीटर तक। भाई मैं ऊपर से जैसे ही नीचे आया, मैंने इधर की साइड में देखा, मैंने ये मैगलेव ट्रेन तो यार यहाँ खड़ी हुई है, मेरे को लगा ये मैगलेव ट्रेन ही खड़ी हुई है जो कि अंदर की साइड में, बट बाहर दिख रही है मेरे को, बट ऐसा नहीं है भाई, ये म्यूजियम बना रखा भाई इन लोगों ने, चेक करो शंघाई मैगलेव म्यूजियम। और मैं सोच रहा ये ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को लगा अंदर स्टेशन होगा तो बाहर से दिखती होगी, बट नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये ऐसी ही है भाई, बाहर म्यूजियम बना रखा है। बारिश अभी बंद हो गई है हल्की हल्की सी, मैकडोनल्ड्स भी है इधर, मैकडोनल्ड्स भी है, और उधर की साइड में KFC मैंने अभी आपको दिखाया, तो KFC वगैरह भी है। सो भाई अभी मैं यहाँ से टिकट ले लेता हूँ मेट्रो की, और मैं अभी इधर से निकलता हूँ भाई, बारिश तो हल्की हल्की आ ही रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, ज़्यादा भी नहीं आ रही, बंद हो गई है वैसे, तो टिकट खरीदनी पड़ेगी पहले। भाई चेक करना जरा यार कितनी भीड़ है, और सुबह सुबह है ना भाई, सारे ऑफिस वगैरह जाने के लिए है, तो इसलिए इतनी सारी भीड़ है, मेरे को भी इसी के अंदर घुस जाना है भाई, इसमें घुस जाता हूँ, कहीं खड़ा होकर तो जाऊँगा ही। सो भाई अभी खाने के लिए पिज़्ज़ा मंगाया था, और भाई साथ में कोक थी, बट भाई साहब ये तो गर्म पड़ी हुई है पूरी की पूरी, इसके अंदर ही डाल के दे दिया था ना इसलिए। आगे पिज़्ज़ा देखो ये चिकन वाला है, क्या ही मस्त लग रहा है भाई, बहुत सस्ता है, 21 युआन का, मतलब 250 रुपये में साथ में कोक मिल गई। चलो भाई खाते हैं। सो भाई मैगलेव ट्रेन घूमने के बाद मैं आ गया था अपने हॉस्टल में, और हॉस्टल में आके इतनी गहरी नींद में सो गया, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था आज मैं, तो भयंकर वाली नींद में सो गया था। और ये मेरा कुछ ऐसा हॉस्टल है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं पे कर रहा हूँ 560 रुपये के आसपास में, यहाँ का लोकल 48 युआन, और काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे चल रहा होगा वीडियो, बाकी ऐसा कुछ है भाई, काफ़ी खूबसूरत सा, मतलब बढ़िया है यार,
एक नंबर जगह है और हेयर ड्रायर वगैरह भी है, सब कुछ है भाई। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपनी टिकट बुक करवाने के लिए ग्वांगजू के लिए, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 1 से 2 हजार किलोमीटर दूर है। तो वहाँ मेरे को जाना संगाई से डायरेक्ट। मेरा हॉस्टल है वो तीसरे फ्लोर पर है और अभी मैं आ गया हूँ नीचे। यहाँ से मेट्रो लेनी है, मेट्रो लेके मेरे को यहाँ से 5 से 6 स्टेशन है दूर जाना। बाकी अभी देखो रात का क्या ही नज़ारा है इधर की सिटी के अंदर, मस्त लग रहा है। लोग कहते हैं चोंगचिंग सिटी ज़्यादा डेवलप है, मे बी बिल्डिंग्स वगैरह में ज़्यादा डेवलप होगा, बट सबसे रिच एरिया भाई संघाई सिटी है, एक नंबर। मतलब ये ऐसा है कि ये मतलब आप लोग अगर इधर आ जाओगे ना, आप बोलोगे कि भाई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर लोग आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल रही हैं भाई, BMW, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हो गई, मर्सिडीज़ भी छोटी हो गई, यहाँ जी वैगन नॉर्मल चलती है भाई, इनकी खुद की ब्रांड बहुत नॉर्मल है। और पहुँचता हूँ मैं भाई ट्रेन स्टेशन पे, दैन टिकट बुक करवा लेता हूँ। वैसे भी अगर टाइम बताऊँ तो 8 बज गए भाई, कल सुबह की ट्रेन है 11:00 कुछ मिनट की। बाकी देखते हैं भाई कैसा रहता है, मेट्रो स्टेशन पकड़ के जाना है, अभी तो बहुत भीड़ होगी। मे बी देखते हैं टिकट मिलेगी क्या नहीं, मिलनी चाहिए यार, क्योंकि कल अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। देखो अभी 8 बजे हैं, तो मेरी कल 8 बजे मतलब 8 बजे तक देखोगे तो भी 12 घंटे होने, तो 14-15 घंटे पड़े हुए हैं मेरे पास, अभी टिकट बुक करवा सकता हूँ। क्योंकि चाइना में क्या दिक्कत है कि पहले टिकट बुक करवानी पड़ती है आपको, ये नहीं कि वहाँ जाके आप लोग करवाओ। और मैं जा रहा हूँ वही ट्रेन में जैसे जर्नल जो लोकल ट्रेन है इनकी बैठने वाली भाई, और कोई ऐसा नहीं है कि बुलेट ट्रेन में जा रहा हूँ, नॉर्मल ट्रेन में जाऊँगा, जिसका किराया वगैरह भी मैं अभी आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। सो भाई ये देखो जी वैगन वगैरह तो भाई यहाँ पर नॉर्मल है, गाड़ियाँ वगैरह मैं इसी चीज़ का बोल रहा था कि कार्स वगैरह काफ़ी नॉर्मल है इनके यहाँ पर। मतलब बड़ी से बड़ी गाड़ी आपको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, जैसे आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, खास करके चाइनीज़ ब्रांड भाई, उनके नाम छोड़ो उनके लोगों समझ में नहीं आते कि ये क्या बना रखा है इन्होंने, लेकिन इनके ब्रांड जो गाड़ियाँ इन्होंने बनाई है ना। लो भाई चाइना के ट्रक देख लो, लालम लाल है, ट्रॉला है भाई तगड़ा वाला, कितने चक्का है इसके टायर गिनो जरा, फिर मेरे को कमेंट करके बताओ कितने चक्का चल रहा है चाइना की सड़कों पर। भाई अभी मैं टिकट लेके अंदर आया, आज तो मैंने मेट्रो ही मेट्रो कर दिया। बाकी भाई इनका मेट्रो स्टेशन देखो यार, ये संघाई का टावर, इसका ब्लॉग मैंने कल वीडियो में डाला था, और भाई क्या ही स्टेशन बना रखा है यार इन्होंने मेट्रो का। इधर की साइड में देखो बिल्डिंग ही बिल्डिंग, क्या तगड़ा पैसा तो इन्होंने लगा रखा भाई अपनी कंट्री के अंदर। चेक करो यार कितना खूबसूरत लग रहा है, चाइना के अंदर का भी अच्छा लग रहा है मेरे को घूमने वूमने में। अभी चलते हैं नीचे, ट्रेन पकड़ता हूँ जाके। अभी पहुँचा हूँ मैं संघाई के ट्रेन स्टेशन पर, और यहाँ पर नृत्य डांस चल रहा है यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। और ये अपना संघाई साउथ रेलवे स्टेशन, चाइना के अंदर ऐसा नहीं है कि एक शहर के अंदर एक रेलवे स्टेशन, 4-5 रेलवे स्टेशन होते हैं, हर नॉर्थ में जाने के लिए नॉर्थ स्टेशन, वेस्ट में वेस्ट, ईस्ट में ईस्ट, और अपन को साउथ में जाना है तो साउथ स्टेशन है। काफ़ी खूबसूरत सा बना रखा है, फ्यूचरिस्टिक सा। और यहाँ से मैं आया अभी, और चलते हैं टिकट वगैरह का पता करते हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया है यार, नहीं मिलेगी तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। वहाँ मिलेगी शायद टिकट, या वहाँ वो वाले गेट पर मिलेगी, ये वाले गेट पर, या ये सामने कोई गेट है इधर मिलेगा। बाकी भाई क्या ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, ऐसे इंडिया के रेलवे स्टेशन हो जाए मैं कह रहा मज़े आ जाएंगे, मज़े ही मज़े करो यार हमारे भी। और ये देखो कितने मंजिल रेलवे स्टेशन है, 1, 2, 3 भाई, 3 फ्लोर है मतलब इसमें, अगर ग्राउंड फ्लोर को भी मिला लें तो। काफ़ी अच्छा लगा यार मेरे को देख के, चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, मैं तो रियलिटी में शॉक हो गया। सुबह मैगलेव ट्रेन में घूमा, वो अलग बिना टायर के चल रही है चुंबक पे, और अभी भाई रेलवे स्टेशन देख रहा हूँ मैं, इनके एक सिटी में एक नहीं है, 4-5 हैं अलग अलग। सो भाई टिकट का लिख रखा है इधर की साइड में, तो हमको इसके अंदर जाना है। ये भाई क्या लगा रखा है, और इधर जाने के लिए है क्या टिकट, ऊपर भाई दिख रहा है क्या? हाँ भाई टिकट ऊपर की साइड में दिखा रहा है कि ऊपर चले जाओ। सो भाई अंदर में जैसे गया वो टिकट काउंटर के पास में, टिकट काउंटर तो क्लोज था, लिखा था सुबह 7:30 से शाम को 7:30, बट मे बी वो लोकल हो, मे बी यहाँ पर 2-4 और हो, जो मेन वाला है वो ऊपर हो। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि भाई यहाँ पर टिकट लेनी है मेरे को, कहाँ पर है वो टिकट काउंटर बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे को अर्जेंट है सुबह जाना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बंद होता भाई, खुला रहता है 24 घंटे, बहुत बड़े बड़े स्टेशन है, संघाई का स्टेशन तो भाई खुला ही होगा। मैं वुहान में 12-12 बजे टिकट लेता था। बाकी भाई इनका स्टेशन चेक करो यार क्या बना रखा है, 2री फ्लोर पे हूँ मैं अभी, और आपको पता जैसे मैं ऊपर चढ़ के आया था, अभी मेरे को उसका सर्कल लगाना है, और ये पूरा का पूरा जो है गोल बना रखा है इन्होंने। चलो मैं टिकट ले लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसी टिकट मिली है, कितने की टिकट मिली है, क्या क्या प्राइस है,
और नीचे आई थिंक ट्रेन जा रही है ना, तो सा कर रही है। चाइना के अंदर मैंने एक चीज नोट करी है कि ये लोग अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर देखो चाइनीज भाषा लिखी हुई है इन्होंने। देखो यहाँ पर इंग्लिश है और बट एक बिल्डिंग वो दिखाई मैंने आपको और दूसरी बिल्डिंग ये देखो इसमें भी वैसे ही लिखा हुआ है चाइनीज भाषा के अंदर। और इसके पास में एक और है देखो, इसके ऊपर भी चाइनीज भाषा के अंदर लिखा हुआ है। मैं कह रहा यार इन्होंने अपनी लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है और कोई लैंग्वेज को सेकेंडरी रखते हैं, मतलब इंग्लिश वगैरह को इतना ज़्यादा अपने देश में घुसने नहीं दिया जितना हम इंडियंस ने घुसने दिया। तो भाई टिकट कटवा ली है और ये अपनी टिकट मिल गई है। सो ट्रेन नंबर है T169 जो कि सुबह 11:26 पे कल चलेगी और संघाई साउथ से ग्वांगजू 189 मतलब 190 युआन जो कि 2000 रुपये से ज़्यादा ही बैठता भाई, 2000 रुपये ऑलमोस्ट कट गया होगा मेरे अकाउंट से। सो भाई होप करता हूँ आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम फ्रॉम चाइना के रेलवे स्टेशन से। कल मैं पहुँच जाऊँगा इधर से ट्रेन लेके, कल ट्रेन लूँगा, परसों पहुँच जाऊँगा मैं ग्वांगजू।